हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि घर पे आप किस तरह से ग्लूटाथून का पाउडर और साथ ही साथ ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं। ग्लूटाथून के बारे में सारा कुछ मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। तो दोस्तों, वो पहला पार्ट था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां पे लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन में आपके साथ शेयर किया था कि क्यों हमें ग्लूटाथून का यूज करना चाहिए। और मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पर घर पे भी आप बहुत ही इजीली जो है ना स्किन वाइटनिंग ड्रिंक और साथ ही साथ जो है ना ग्लूटाथून का पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं, जिसको कि आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। और दूसरी बात, और मैंने उस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ध्यान में रखते हो तभी आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप स्किन के ऊपर सब कुछ लगा लेते हो बट आपका इंटरनली जो सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप जितना मर्जी फेस के ऊपर की तरफ से कुछ भी लगा लीजिएगा, आपको 1 से 2 दिन के लिए उसका रिजल्ट मिलेगा बट फिर से आपकी स्किन वैसे ही हो जाएगी। तो ग्लूटाथून में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि आपके चेहरे की पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, रिंकल्स को खत्म करने में हेल्प करता है और आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा करता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन व्हाइटनिंग ग्लूटाथून से किस तरह से आप घर पे ही, घर की चीजों से ही बहुत ही कम पैसों में अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगी जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी कि दोस्तों, जो भी हमें भगवान जी ने रंग दिया है बहुत ज्यादा अच्छा रंग दिया है। मैं व्हाइट कलर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ पर हमें जो भगवान जी ने ना बहुत सारी जो चीजें दी है, न्यूट्रिशन दी है, वो हमें उन्होंने दिए है कि हम उनको खाएं, अपने फेस के ऊपर लगाएं और अपनी स्किन को, अपने बालों को और अपनी हेल्थ को हेल्दी रख सके, वही आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करती हूँ। दोस्तों, चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपने फेस को वॉश करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दूंगी, आप जिस जैसे भी आपको सूटेबल हो, जैसे भी आप इजी फील करें वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को साफ करना होता है। साफ करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लूटाथून का सोप यूज करती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन सी होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमारी स्किन की जो भी ऊपरली लेयर होती है उसको रिमूव करके स्किन बहुत ज्यादा हमारी साफ हो जाती है। दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ग्लूटाथून का सोप कौन सा आपको बाय करना है, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर आप चाहे वहां से लिंक को क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, जो ग्लूटाथून का सोप है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, ताकि मेरा सोप लंबे समय तक चले। तो एक जो पीस होता है ना उसको अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर लेती हूँ, जो दूसरा पीस होता है ना उसको मैं अपने फेस के ऊपर यूज करती हूँ। आराम से ये वाला जो मेरा एक सोप है ना 2 से 3 महीने तक आराम से निकल जाता है दोस्तों। बट अगर आपको ये वाला सोप नहीं बाय करना है तो आप राइस का घर पे किस तरह से फेस वॉश बनाकर तैयार कर सकते हैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो भी आपकी स्किन को निखारने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेचुरल चीजों से आप घर पे बना सकते हैं दोनों ही चीजों का, सभी चीजों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, अगर आप चाहे तो वहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अभी आपको इस सोप को किस तरह से यूज करना है, यूज करने का सही तरीका, मैं चाहे आप सोप यूज करें चाहे आप राइस फेस वॉश यूज करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फेस के ऊपर लगाने के बाद 1 मिनट आपको बहुत अच्छी तरह से मसाज करनी है दोस्तों, क्योंकि हम ये गलती कर लेते हैं कि हम जब भी फेस को वॉश करते हैं जल्दी से अपने फेस को सोप लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं और फेस को वॉश कर लेते हैं, जिससे हमें पूरे बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। आपको क्या करना है, फेस को वेट करना है, वेट करने के बाद सोप को या फेस वॉश को अपने फेस के ऊपर लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करनी है 1 मिनट तक, उसके बाद आपको फेस को वॉश करना है। तो आप देखोगे खुद ब खुद कुछ ही दिनों में आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होने शुरू हो जाएगी। अभी हम करेंगे सेकेंड स्टेप। तो दोस्तों, जो सेकेंड स्टेप है ना वो आपको करना है वीक में 3 बार, जो होते हैं स्क्रब। तो यहाँ पे जो मैं स्क्रब करने वाली हूँ वो करने वाली स्किन व्हाइटनिंग स्क्रब, क्योंकि बहुत सारे मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि
प्लीज हमें स्किन व्हाइटनिंग के बारे में बताइए। तो इसीलिए ये वाला स्क्रब है ना बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। इसमें ओटमील है, मिल्क है, जो कि आपकी रंगत को निखारने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इस ये अगर आप इसको बाय करोगे ना, ये आराम से आपका 3 से 4 महीने तक आराम से चल जाएगा। थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन को साफ कर देता है। ब्लैक हेयर, व्हाइट हेयर, जो भी आपकी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, फेस पे अच्छी तरह से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट लगाकर बहुत ही जेंटली, और उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है दोस्तों। वीक में आपको सिर्फ 3 बार ही इसको यूज करना है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपने ये वाला स्क्रब यूज नहीं करना है तो घर पे भी आप आराम से स्क्रब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, राइस फ्लावर लेना है। राइस फ्लावर बहुत ज्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए। इसमें आप ऐड कीजिए जो ओट्स होते हैं ना, उसका पाउडर बना लीजिए घर में मिक्सी में चलाकर। जितना आपने राइस फ्लावर लिया है उतना ही आप ओट्स का पाउडर ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जब आप इसको यूज करें, इसमें आप कच्चा दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस के ऊपर स्क्रब कर लीजिए। तो ये आपका बहुत ही एक अच्छा स्किन व्हाइटनिंग स्क्रब बन जाएगा, जो कि आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, अपने हाथों पैरों के ऊपर कर सकते हैं, और बिना पैसे खर्च किए हुए आप घर पे इसको बना सकते हैं। रिजल्ट आपको दोनों का सेम ही मिलेगा दोस्तों। दोस्तों स्क्रब करने के बाद आपको क्या करना है, फेस के हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसके बाद जब भी आप स्क्रब करें उसके बाद फेस के ऊपर रोज वाटर का जरूर यूज कीजिए। रोज वाटर आपके स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी स्किन के लिए बेहतरीन काम करता है दोस्तों। और घर पे भी आप बहुत ही इजीली रोज वाटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद अभी हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो अगला जो स्टेप है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। आप इसको वीक में 4 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, इसको पूरी बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से इंस्टेंट आपका रंगत, जो आपकी स्किन का रंगत है, वो निखरेगा, क्योंकि हमने जो सारे स्टेप किए हैं उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ऑलरेडी हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी 90%। इसको करने से 100% हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। पूरी बॉडी के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारी शादी होने वाली है तो वीक में 1 से 2 बार पूरी बॉडी के ऊपर यूज कीजिए, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये जो चीज है दोस्तों, ये है कैलोन क्ले, जो कि आपको आराम से अमेजोन पर अवेलेबल हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक ये आपका रहता है। ये एक ऐसा क्ले होता है जो कि आपकी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्किन का रंगत निखारता है दोस्तों। और इसको बहुत ही इजी है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, इस क्ले को लेना है, रोज वाटर में मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर, हाथों पैरों के ऊपर यूज कर लीजिए, अच्छी तरह से लगा लीजिए मोटी लेयर में। और ये जो है ना 3 से 4 मिनट में ड्राई हो जाएगा। और जब ये ड्राई होगा तो आपको क्या करना है, रोज वाटर का अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है और अच्छी तरह से मसाज करनी है 1 से 2 मिनट लगाकर। उसके बाद फेस को वॉश करना है। बट अगर आपके पास ये क्ले नहीं है, आप नहीं मंगवाना चाहते हैं, तो एक चीज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी, उसमें आप ऐड कीजिए कॉफी पाउडर का, दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद रोज वाटर ऐड कर लीजिए। तो ये भी आपका स्किन व्हाइटनिंग बहुत ही अच्छा एक पैक बन जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आपको इसी तरह से नहीं छोड़ना है। सिंपल सी चीज बताने वाली हूँ जो कि सबके घर में अवेलेबल होती है। आपको लेना है एलोवेरा जेल, तो दोस्तों एलोवेरा जेल ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास पतंजलि का है, एक दूसरा है, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है पतंजलि का ले लीजिए, बहुत ही इजी अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता आता है, बहुत लंबे समय तक चल जाता है। अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर लगा लीजिए दोस्तों, तो ये आपका अमेजिंग स्किन केयर रूटीन हो जाएगा। बट इसके बाद अगर आपने घर से बाहर जाना है तो इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगानी है, उसके बाद ही बाहर जाना है। हो सके तो इस रेमेडी को आप रात में यूज करोगे तो काफी ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि रात में ही क्यों करना है, तो दोस्तों रात में हमने इसलिए करना है क्योंकि रात में जब हम अपनी स्किन को साफ करते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। उसके बाद हम सो जाते हैं तो स्किन जो ना हमारी रात भर पियर होती रहती है। बट अगर हम इसको दिन में करते हैं, दिन में करने के बाद बाहर चले जाते हैं, तो बाहर आपको पता है फिर से पोल्यूशन होता है, हमें सनस्क्रीन लगानी पड़ती है, फिर से हमारे जो पोर्स है ना उनको जो है ना रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता और फिर से हमारे पोर्स जो है ना बंद हो जाते हैं और फिर से हमें वही प्रॉब्लम, हमारी स्किन डल हो जाती है, पिंपल्स, ऐसी चीजें हो जाती हैं।
तो इसीलिए जब भी आप स्क्रब करें या पैक करें उसको रात में कीजिए, तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप जो है ना पहले वीडियो को जो ग्लूटाथून उनका मैंने बताया है किस तरह से आपने पाउडर या फिर ड्रिंक बनानी है उसको और इसके साथ साथ इस स्किन केयर रूटीन को करते हो ना, तो काफी ज्यादा आपकी स्किन बेहतरीन हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।